कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू को सेकेंट ए प्लस कॉट ए, इसको सॉल्व करना है। इसके लिए आई हैव टेकन द एल एच एस एज इट इज, और एल एच एस में क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाय साइन ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं क्या कर रहा हूँ, साइन ए से डिवाइड करता हूँ। लेट अस सी मुझे क्या मिलता है। एल एच एस इज इक्वल टू, यहाँ पर हर एक को मैं क्या करूँगा, साइन ए से डिवाइड करूँगा, ये साइन ए, यहाँ पर भी इसको भी साइन ए से डिवाइड करूँगा, यहाँ पर भी साइन ए से डिवाइड करूँगा, यहाँ पर भी साइन ए से डिवाइड करूँगा, फिर डिनोमिनेटर में भी हम क्या करेंगे, कॉस ए दिया हुआ है तो कॉस ए को मैं क्या करूँगा, साइन ए से डिवाइड करूँगा, प्लस यहाँ पर भी साइन ए से डिवाइड करूँगा, फिर यहाँ पर भी साइन ए से डिवाइड करूँगा, टोटली आई एम डिवाइडिंग बाय साइन ए। क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, सर आप साइन ए से क्यों डिवाइड कर रहे हो, आई जस्ट कम टू दैट पॉइंट, मैं उस पॉइंट की तरफ आता हूँ। अब देखिए, कॉस बाय साइन होगा कॉट ए, कॉस बाय साइन होगा कॉट ए, साइन साइन कैंसल होगा तो ये होगा माइनस वन, और वन बाय साइन होगा कोसेक ए, क्या होगा कोसेक ए। डिनोमिनेटर में क्या होगा, कॉस बाय साइन होगा कॉट, साइन साइन कैंसल होगा तो यहाँ पर होगा प्लस वन, और वन बाय साइन होगा माइनस कोसेक ए। जस्ट छोटा सा रीअरेंजमेंट मैं करना चाहता हूँ, क्या रीअरेंजमेंट मैं कर रहा हूँ थोड़ा देखिए आप, मैं कोसेक ए पहले लिखता हूँ, ऑल राइट, कोसेक ए फर्स्ट, बाद में कॉट ए लिखता हूँ, कॉट ए लिखता हूँ माइनस वन, यहाँ पर भी कॉट ए मैं लिखता हूँ, एज इट इज मैं लिखता हूँ, ओनली माइनस कोसेक ए, आई राइट इट हियर, एंड प्लस वन आई राइट एट द एंड। अब दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप, ये स्टेप जो है मैं लिखने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, थोड़ा ध्यान देना बच्चों। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि दिस इज़ द डिसाइडर, जैसे डिसाइडर का मतलब होता है यहाँ से पूरा आपका प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या डिसाइडर है थोड़ा देखिए आप, ये दिस इज़ माइनस वन, तो माइनस वन की जगह पे मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। आपको आइडेंटिटी पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ वन, सिकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज़ वन, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए इज़ वन, तो इन प्लेस ऑफ वन आई हैव रिटन कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर इज फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, दैट इज कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, एंड फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म यानी कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए होल डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। आई रिपीट द स्टेप अगेन, यहाँ वन की जगह पे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, आप चाहे तो यहाँ मार्क कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे मार्क कर दीजिए आप। इस स्टेप में आपको करना क्या है, यू हैव टू इंस्टेड ऑफ वन यू हैव टू राइट कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, दिस इज फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ हम आ रहे हैं, देखिए कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए यहाँ पर भी है, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए यहाँ पर भी है, इफ़ आई टेक कॉमन तो मुझे क्या मिलेगा, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या मिलता है, क्या बचता है, देखिए यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा यहाँ पर वन, क्या बचेगा वन, और दिस कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए, ऑलरेडी कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए मैंने कॉमन ले लिया है, तो माइनस ऑफ माइनस कोसेकेंट ए, इट विल बी इक्वल टू माइनस कोसेकेंट ए, और माइनस ऑफ माइनस कॉट ए, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, प्लस कॉट ए एंड होल डिवाइडेड बाय
होल डिवाइडेड बाय कॉट ए, कॉट ए माइनस को सेकेंट ए प्लस वन। अब देखो वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, सो व्हाट आई विल गेट हियर इज कोसेकेंट ए, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए बचेगा एंड दैट इज योर आरएचएस, दैट इज योर आरएचएस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, आपके समझ में अब आ गया होगा कि मैंने क्यों साइन से डिवाइड किया। साइन से डिवाइड करने से मुझे कॉसे प्लस कोटे के कॉटे मिल रहा था, तो मैंने फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या किया, साइन से डिवाइड किया तो मुझे इस तरह से मिला। देन लास्ट व्हाट आई डिड इज माइनस वन को जानबूझ के मैंने लास्ट में रखा और माइनस वन की जगह मैंने क्या किया, कोसेकेंट स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है लिखा। आपके हिंट में भी किताब में दिया है, आप देख लीजिए। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचता है वन माइनस ऑफ प्लस होगा माइनस और माइनस ऑफ माइनस होगा प्लस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है कैंसिल हो गया, तो आई एम गेटिंग द आंसर कोसेक ए प्लस कॉट ए।